नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। गुना में रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया। कल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों पर कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गुना के सभी मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया। वहीं गोपाल मंदिर पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया, साथ में वहां पर एक झांकी भी लगाई गई। रात को 12 बजते ही श्री कृष्ण की आरती की गई, साथ ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इसके साथ ही दर्शन करने आने वाले भक्तों को प्रसादी भी वितरित की गई, साथ ही यहां पर जगह जगह प्रसादी वितरण के स्टॉल भी लगाए गए। ट्रैफिक नियमों की जानकारी के लिए पुलिस प्रशासन ने निकाली बाइक रैली। यह बाइक रैली लोगों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी के लिए निकाली गई, जिसमें बाइक सवार अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, साथ ही सभी बाइक सवारों ने हेलमेट पहने थे। तख्तियों पर ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारियां लिखी हुई थी। अभी एक हफ्ते का जो है ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता का एक सप्ताह शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत आज जो है वो बाइक रैली से करी गई है, और इसमें जो अलग अलग नियम है ट्रैफिक के, उनके संबंध में जो है सभी जो हेलमेट लगाए हुए हैं और सब उनके प्लकार्ड्स पकड़े हुए हैं, पूरे शहर में जो है ये बाइक रैली जो है जागरूकता फैलाते हुए जाएगी। डीएसओ ने किया स्कूलों को मर्ज करने का विरोध प्रदर्शन। डीएसओ द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूलों के सामने आज विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन शासन के निर्देश के खिलाफ था, जिसमें मध्य प्रदेश के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद कर रही है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 2009 से राइट टू एजुकेशन के नाम पर पास पर
भीड़ होने बंद करने की कवायद सरकार कर रही है। इसी को लेकर यहाँ पर आज ये प्रदर्शन रहा। पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदर्शन हुआ है और इसी तर्ज पर पूरे देश भर में भी जहाँ जहाँ भी छात्र इसको लेकर आंदोलन कर रहा है और आज के दिन प्रतिरोध के रूप में मना रहा है। जनसुनवाई में पहुंचे जिला चिकित्सालय के सफाई कर्मियों का कहना है कि गुना सिविल सर्जन द्वारा यह कहकर उन्हें काम पर रखा गया था कि आपको 3500 रुपये वेतन मिलेगा जो 90 दिनों के बाद बढ़ा भी दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक उनका ना तो वेतन बढ़ा और ना ही उन्हें समय पर वेतन दिया जाता है। सफाई कर्मियों की माने तो जिला चिकित्सालय में इस समय कई सफाई कर्मी कार्यरत हैं जिनको 3500 रुपये में गुजारा नहीं होता। इसी के लिए आज सभी सफाई कर्मी लामबंद हुए एवं कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। पेमेंट की शिकार लेके आज मतलब साढ़े सैलरी हमारे लाने 3500 रुपये देते हैं, हमें बनने के 90 दिन बाद आपकी पेमेंट बढ़ा देंगे। तो ना तो हमारी पेमेंट बढ़ाई ना हमारे पास कुछ सबूत है कि हम यहाँ हॉस्पिटल कर्मचारी हैं के मजदूर लोग हैं। हमारे पास ना कोई आईडी है ना कोई कार्ड हॉस्पिटल का। हमसे की गई थी कि 90 दिन बाद आपकी पेमेंट बढ़ जाएगी, तो आज ये छठवा महीना चल रहा है हमारे लाने 3500 रुपये पेमेंट मिलती है। क्या गुजारा कर लेते हैं? नहीं होता है उसमें, स्कूल भी बच्चे जाते हैं, किराए के घर मकानों में रहते, कोई रिश्ता है तो हमारा मकान है ही नहीं, किरायों से रहते फिर रहे थे बेटे तो हम फिर और इतना गंदगी का काम के गटरों में भी हाथ डाल रहे हैं। तुम कछू में बच्चा खाने के पूरे कपड़े या गंदे संदे पूरे हम तगाड़ियों में भर भर के डालते हैं, उनको गंदा है समता कचरा फिर हटाने की जो कहते हैं जो नेता बनते हैं जिनको हटा ला दो नब्बे दिन हमको कलेक्टर रेडी नहीं मिलेगा। आपने एसपीएन साहब से हाँ खरीदी कहती थी कि हम 500 रुपये बढ़ा देंगे। तनख्वाह यही था, तनख्वाह बढ़ जाए हमारी 3500 रुपये मिलते हैं गुजारों नहीं मिलता। और ज़्यादा कहते हैं तनख्वाह बढ़ावे की तो हटावे दोस्त बताते हैं। पहले 3 साल से कर रहा है, 3-4 साल से ठेका में ठेका अटका 6 महीना। अच्छा आपको ठेके में कितने पैसे मिलते थे? हम 5000 मिलते थे, अभी कितने मिल रहा है? बढ़ावे किए थे तो जब बढ़ावे करोड़ करोड़ घर बैठो भग जाओ, तुम सरकारी नहीं हो, अस्पताल के नहीं हो कर्मचारी। पटवारी भर्ती परीक्षा में हो रही धांधली के विरोध में शहरी आदिवासी युवक पहुंचे जनसुनवाई में। पटवारी भर्ती परीक्षा में दूसरे राज्यों के छात्रों को मिल रहे लाभ के विरोध में शहरी आदिवासी जनसमुदाय के छात्र आज जनसुनवाई में पहुंचे। उनका कहना था कि पटवारी भर्ती परीक्षा में दूसरे प्रदेश के छात्रों को लाभ दिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार पटवारी भर्ती परीक्षा में सर्वप्रथम प्रदेश के छात्रों को लाभ मिलना था, लेकिन यहाँ पर उनको परीक्षा में वरीयता नहीं दी गई। इसके विरोध में आज शहरी आदिवासी युवक जनसुनवाई में पहुंचे। पटवारी भर्ती है गुना जिले में शहरी युवकों को नहीं लिया गया, जबकि उनकी प्राथमिकता के आधार पर जो पटवारी भर्ती होती है उसमें जिले के मूल निवासियों को लिया जाता है। इस आधार पर अन्य जिलों के मूल निवासियों को यहाँ पे भर्ती में दे दिया गया, जबकि वो उनके नाम नहीं आने चाहिए थे। पहले इस जिले के मूल निवासियों के नाम आना चाहिए थे जो कि इस भर्ती में नहीं आए। और ये अभी हमने जो ज्ञापन दिया है जनसुनवाई, वो कह रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड ग्वालियर जाओ, लेकिन भर्ती के लिए तो गुना भी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी यहाँ के मूल निवासियों को अगर पहले मतलब प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मेरा तो इतना ही कहना है, जो कि उन्हें नहीं दी गई है। अब एक भी युवा नहीं लगा यहाँ का जो मेरे साथ में खड़े हैं, सभी ग्रेजुएशन है, बी ए सभी सूची में नाम भी है उनके। तो पहले भर्ती यहाँ के मूल निवासियों को मतलब पहले प्राथमिकता होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी ने दिया धरना प्रदर्शन। नगर पालिका के बाहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमले के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, नगर पालिका अध्यक्ष, गुना विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के हमले की घोर भर्त्सना भी की। धरना प्रदर्शन के बाद ये सभी कार्यकर्ता एक रैली के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। उसी दिन से सांप और छछूनर, चूहा और बिल्ली एक साथ में होने का रास्ता तैयार करने लगे। तुम शेर करेंगे आने वाले कल में जो मध्य प्रदेश की जनता के गले गले में और कांग्रेसी मित्रों से जवाब पूछेगी कि तुमको शिवराज सिंह के ऊपर पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं था, फूल बरसाने का अधिकार जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमारा अधिकार मांगने जाएंगे। चिंता नहीं करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके 7 महीने की 7.5 करोड़ 8 करोड़ जनता खड़ी है, ये चूहा और बिल्ली कुछ नहीं कर पाएंगे। चूहा और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन है। इस प्रदेश में राजनीतिक दल आचार संहिता और मानदंडों का पालन करते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश का स्वभाव प्रकृति पूरी तरह हिंसात्मक है। लेकिन राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। सीधी जिले की चुरट विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी की जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पहले से ही जो जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री की पहुंची, आप सब जानते हैं, मीडिया कर्मी हैं, कि इस जन आशीर्वाद यात्रा को गुना में भी आई थी, पूरे मध्य प्रदेश में ये चल रही है और किस प्रकार जन समर्थन मिल रहा है। जन सैलाब अपने आप जनता मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रही है। अब चूँकि कांग्रेस को अपनी पराजय सामने दिख रही है, उससे घबरा करके उन्होंने इस अश्वमेघ के घोड़े को रोकने के लिए जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी की जाती है, उसी प्रकार यहाँ लोगों को बना करके योजना ग्रस्त किया। ये तो भगवान महाकाल का आशीर्वाद है कि हमारे मुख्यमंत्री सुरक्षित है, सकुशल है, उनके साथ प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है जिनका उनको आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो उनको कोई प्रकार की चोट नहीं लगी, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं एवं राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से निर्भीक मतदाता मतदान कर सके और कांग्रेस जो हताश है, निराश है, उसको इस प्रकार के कदम उठाने से रोका जा सके। गुना में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिन्होंने बीते बहुचर्चित चोरी पत्रकार कॉलोनी एवं लूसन बगीचा में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के यहां हुई थी, उसका खुलासा किया। आज गुना के थाना कैंट के प्रभारी उमेश मिश्रा ने पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि जो चोरी हुई थी उसमें रामवीर पुत्र लाला पारदी और शिवा उर्फ शिव प्रताप पुत्र गोपी पारदी, उन्होंने एक गैंग बना रखी है और कई जगह गैंग के साथ घटनाओं को अंजाम देते थे। एसपी के निर्देशन में एक टीम गठित की गई, उसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि पता चला कि आरोपी शिवा पारदी गड़ा फाटक की तरफ गया है। बाद में गड़ा फाटक के पास पहुंचकर चारों तरफ घेराबंदी करने के बाद जब उसको पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान उसने चोरी करने की अपनी बात कबूल की। उसने बताया कि पत्रकार कॉलोनी के एक मकान में हम 5 ने मिलकर चोरी की और उसी मकान में दूसरे घर में मोटरसाइकिल एवं नकदी चुराई एवं लूसन के बगीचा में हमने बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि क्षेत्र में वो पिछले महीने की लूट एवं चोरी की घटना की है। आरोपियों का एक साथी पूर्व में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा चुका है। आज से करीब 2-2.5 महीने पहले जो आपको
कैंट थाना क्षेत्र में पत्रकार कॉलोनी और लूसन का बगीचा में चोरियां हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कोतवाली कैंट और विशेष टीम गठित कर दी गई थी जो पार्टियों की धरपकड़ के लिए लगी गई थी। इसमें 1 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय की सूचना पर पहले एक पार्टी रामवीर को पकड़ा गया। रामवीर पार्टी कोतवाली अपना कैंट थाना क्षेत्र की तीनों घटनाओं में आरोपी है। उसके द्वारा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद इसके साथियों के नाम भी खुलासा हुआ, जिसमें सिद्धवाज देवेंद्र गुलशन इनके नाम भी आए। और इसी सूचना के आधार पर एक पारदी को कल गड़ा फाटक के पास से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम के द्वारा गड़ा फाटक के पास पकड़ा गया और उससे पूछताछ की जा रही है, जिसको आज पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद हम लोग इसका पुलिस रिमांड लेंगे और पूछताछ करने के उपरांत अन्य चोरियों का भी खुलासा करेंगे। कितना माल बरामद हो चुका है? पूर्व में जो रामवीर गिरफ्तार हुआ था उससे जो पूछताछ की गई उसमें पत्रकार कॉलोनी की चोरियों का माल बरामद हुआ है और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। शिवा पार्टी और इसके साथी सिंधवास देवेंद्र गुलशन इनको पकड़ने के उपरांत जो लूसन का बगीचा की चोरी है उसका भी माल बरामद होने की पूरी पूरी संभावना है। अभी जो माल बरामद हुआ है पत्रकार कॉलोनी की चोरियों का माल बरामद हुआ है, लगभग 1.5-2 लाख का माल बरामद किया गया है और बाकी जो लूसन का बगीचा की चोरी है उसका माल अभी बरामद होना शेष है। चांचौड़ा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद फोड़ी गई मटकियां। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का त्यौहार चांचौड़ा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रत्येक मंदिर पर बहुत ही सुंदर तरीके से सजावट की गई। इसके साथ ही आज चांचौड़ा में प्रत्येक मंदिर पर मटकी बांधी गई और मटकी टोली ने प्रत्येक मंदिर पर मटकियों को फोड़ा, जिनमें कुछ मटकियों पर इनाम भी रखा गया था, जिसको मटकी टोली ने फोड़ कर उस इनाम को अपने नाम किया। चांचौड़ा से हमारे संवाददाता शिवम नामदेव की रिपोर्ट। चांचौड़ा के शिशु मंदिर विद्यालय में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी का त्यौहार छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इसमें विद्यालय के द्वारा कई तरह की प्रतियोगिताएं भी रखी गई और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री कृष्ण और राधा के रूप में श्रृंगार भी किया। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। म्याना के सभी मंदिरों पर मनाई गई जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से। सभी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सभी मंदिरों में भगवान की अलग अलग झांकियां भी लगाई गईं।
से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आठ साल से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के द्वारा चलाई जा रही स्थाई फरार वारंटियों को पकड़ने की मुहिम के तहत आज एक 8 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी पप्पू शहजाद खान को राजस्थान के बारा से पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ कई मामले गुना न्यायालय में चल रहे हैं। आरोपी को पकड़ने पर सुरेंद्र मिश्रा आरक्षक को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में आपस में भिड़े दो गुट, जमकर हुई मारपीट। बता दें कि नयापुरा स्थित बेजू चौराहे पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था। गुना में एकमात्र स्थान ऐसा है जहां ऊंचाई पर मटकी को रखकर एक टोली द्वारा उसे फोड़ा जाता है। वहीं किसी बात को लेकर दो गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। मामला इतना बड़ा कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। वहीं कुछ लोगों ने पत्थरबाजी तक की। पुलिस की भरपूर व्यवस्था होने के बाद भी इतना बड़ा हादसा घटित होना वहाँ खड़े पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं इस घटना में घायल युवकों को आनन फानन में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हालांकि मामला संज्ञान में लिया है, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस समय यह सब हो रहा था उस समय गुना विधायक पन्नालाल शाक्य भी वहां मौजूद रहे। इस हंगामे में घायल दो युवकों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। Hello।
न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।